सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल ईआर अखिलेश क्लासेस फॉर यू में। अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगती है तो थोड़ा सा आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, इसमें आपको आसानी रहेगी इसको पढ़ने में। मैं जो भी पेपर्स अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे, उन सभी के जो पीडीएफ लिंक है वो ज़रूर डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको अगर वो पेपर चाहिए तो आप उसको डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, या फिर पीडीएफ आप उसको डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप चाहें तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, और वहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के नीचे ही पीडीएफ को डाउनलोड करने का वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आपसे पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती तो उस वीडियो को देख करके आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपके बोर्ड की ये आंसर शीट है, जो बोर्ड स्टूडेंट ने लिखा है और बोर्ड कॉपी में लिखा है, ये बोर्ड की कॉपी है आपकी, तो इसका डालने का मेन मकसद यही है कि आप इसको देखें और समझें कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है। जो कॉपी आप देख रहे हैं इसमें आपको ये तरीका बताया गया है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से आंसर्स को देने हैं। जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे लिखने के लिए, तो उससे पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर आप मोंटेक्स स्मूथ फ्लो पेन अवेलेबल करा सकते हैं स्टेशनरी से, तो वहाँ से जाके ले लें, ब्लू कलर का और ब्लैक कलर का। ब्लू कलर से आप सारे आंसर्स लिखिए और ब्लैक कलर से आप जो है सिंबल्स डायग्राम्स भी बना सकते हैं, पेंसिल से भी बना सकते हैं, और हेडलाइंस जो हैं और इम्पोर्टेंट जो हाइलाइट्स आपको करने हैं वो ब्लैक पेन से करें, ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। मैं अपने चैनल पे सभी बोर्ड्स के पेपर जल्द से जल्द अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितनी जल्दी हो सके सभी बोर्ड्स के पेपर्स मैं अवेलेबल करा दूँगा, ताकि पूरे भारत के स्टूडेंट्स को आसानी हो कि वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकें और एग्ज़ाम टाइम में अपना टाइम वेस्ट करे बिना एक ही चैनल के माध्यम से जितने भी पेपर्स उनको चाहिए वो उन तक पहुंच पाए। इस आंसर शीट में आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स ने कैसे आंसर्स किए हैं और अपने आंसर्स को किस तरह से हाईलाइट किए हैं, किस तरह से अंडरलाइन किए हैं, या किस तरह से बॉर्डर वगैरह बना करके अच्छे से लिखा गया है, ताकि एग्ज़ामिनर उसको आसानी से पढ़ पाए। क्योंकि एग्ज़ामिनर के पास ज़्यादा समय नहीं होता, वो एक सीट में अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करता, क्योंकि एग्ज़ामिनर को हर सीट चेक करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, मतलब पर सीट के उसको पैसे मिलते हैं। ये नहीं है कि केवल वो आपके स्कूल का ही चेक करता है, वो हर स्कूल का चेक करता है। बस फ़र्क इतना है कि वो जल्द से जल्द कितने सीट्स को चेक कर पाएगा, तो उसके हिसाब से उसको पैसे दिए जाते हैं कॉपी चेक करने के लिए। तो आप बोर्ड में इस तरह से लिखें कि एग्ज़ामिनर जो है उसको ज़्यादा पढ़ने में परेशानी ना हो, और आप जो कहना चाहते हैं या जो आप उत्तर लिखना चाहते हैं, आंसर लिखना चाहते हैं, वो उसको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे और वो तुरंत समझ जाए कि बच्चे ने जो भी लिखा होगा वो सही लिखा है। एग्ज़ामिनर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता किसी भी कॉपी को चेक करने के लिए। अगर उसको सटीक आंसर नहीं मिलता या उसको सही आंसर नहीं मिलता तो वो नंबर काट देता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, जब भी आप आंसर्स लिखें, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन अच्छे से लिखें और पूरी तरह से साफ साफ, और डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ पे तो डायग्राम बनाएं ज़रूर। अगर उस क्वेश्चन में डायग्राम के बारे में नहीं भी पूछा गया है, अगर आपको पता है उसके बारे में कि उसका डायग्राम आप हाईलाइट कर सकते हैं, उस डायग्राम को आप शो कर सकते हैं, एग्ज़ामिनर को बता सकते हैं, तो आप उस डायग्राम को ज़रूर बनाएं। इससे बहुत ही आसानी से आपके जो मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस आंसर शीट की जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें तो केवल आंसर है, जो क्वेश्चन पेपर है उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसके जो क्वेश्चन पेपर को है डाउनलोड कर सकते हैं और उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ के आंसर्स मैच कर सकते हैं। तो आपके लिए पूरी फैसिलिटी अवेलेबल करा रहा हूँ, तो आप बने रहेंगे इस चैनल पर तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह की हेल्प चाहिए। अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपके लिए
वो हेल्पिंग हैंड जरूर बनूंगा और आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। मेरे चैनल पे जितने भी कमेंट आते हैं मैं उनकी रिप्लाई 100% देता हूं, अगर वो रिप्लाई के लायक हैं। कोई भी कमेंट करें तो पहले ये सोच के करें कि आपको वाकई में उस कमेंट की ज़रूरत थी, तो ही कमेंट करें। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाद में आप भूल जाएंगे लाइक बटन प्रेस करना, तो अभी से प्रेस कर दें आप लाइक को। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपके बोर्ड से रिलेटेड या आपकी क्लास से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी, आपको वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सब्सक्राइब करने से आपको दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसी चैनल से फिर से आपको हेल्प मिल पाएगी। आपको फिर से जो नेक्स्ट क्लास में जब आप अप करेंगे तो आपको उसके लिए भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और उसके क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स, सभी तरह के जो हेल्पिंग स्टडी मटेरियल है वो इस चैनल पे अवेलेबल रहेंगे पहले से ही। तो आप सब्सक्राइब करने में ज़रा भी देर ना करें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये चैनल। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी अच्छी खासी हेल्प हो पाए और वो आपको बाद में थैंक्स भी बोलेंगे कि हाँ आपने मेरी हेल्प करी और मुझे स्टडी में जो हेल्प मिली वो आपके थ्रू मिली है। तो अगर आप शेयर करना चाहते हैं इस चैनल को तो ज़रूर शेयर कर दें। अगर आपको लगता है कि ये चैनल यूज़फुल है आपके दोस्तों के लिए भी तो ज़रूर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो पाए और वो लोग भी इस चैनल से जुड़ करके जो जानकारी आप ले पा रहे हैं वो जानकारी वो भी